युगों युगों से चल रहा है मेल। ग्रह नक्षत्रों का सब है खेल, ब्रह्मांड में ग्रह रोज बदलते हैं अपनी चाल। आइए जानते हैं आज कौन सी राशि होगी माला माल। जय शनिदेव। प्रिय भक्तों, मैं स्वामी राजर्षि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। 10 वर्ष की आयु से ही मैं अपने पूज्य पिता श्री गुरु रजनीश ऋषि जी के निर्देशन में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एवं धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूँ। तो क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें क्या ना करें, किन चीजों से सावधान रहना है, ये सब जानने के लिए आखिर तक देखते रहिए आज का राशि। आज 23 नवंबर 2019 दिन शनिवार, मार्गशीर्ष मास का कृष्ण पक्ष चल रहा है और आज एकादशी तिथि सुबह 6:24 तक रहेगी और उसके पश्चात द्वादशी तिथि लग जाएगी। आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:40 से लेकर 12:28 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। आज राहु काल सुबह 9:31 से लेकर 10:49 तक रहेगा। इस दौरान आप किसी भी शुभ कार्य को करने से परहेज करें। जिन भी भक्तगणों ने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा अनुरोध है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो उन तक सबसे पहले पहुंच सके। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, उसको शेयर करें, कमेंट करें। आइए अब जानते हैं कि सिंह यानी कि लियो राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज का दिन आप अपने हाथों से अपने भाग्य को लिखेंगे। आज आपकी मेहनत से ही आपको अपने कार्यों में सफलता प्राप्त होगी और आज निश्चित तौर पर यदि आप मन लगाकर किसी कार्य को करने का प्रयास करते हैं, उसमें उचित एफर्ट्स डालते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको मन वांछित परिणाम आज प्राप्त होंगे। आज आपको अपने व्यापार और व्यवसाय में उन्नति के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। बस आपको एक जो सटीक नजर है उससे हालातों को देखना चाहिए, उससे हालातों का आंकलन करना चाहिए और उसके पश्चात ही निर्णय लेने चाहिए। निश्चित तौर पर सोच समझ कर लिए हुए आपके निर्णय आज आपके व्यापार को नई ऊंचाइयों पर लेकर जा सकते हैं। आज आपको अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर अच्छा लगेगा और आज आपकी मुलाकात किसी बहुत समय से जो रिश्तेदार से आप नहीं मिले हैं उससे होगी, जिसके साथ रहकर आज आपको काफी अच्छा फील होगा। इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपका या आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे हैं या नौकरी मिलने में समस्या हो रही है या नौकरी तो मिल गई है पर प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, इनकम से ज्यादा खर्चा हो जाता है, ट्रांसफर हो रहे हैं, शादी नहीं हो पा रही है या आपका अपना घर नहीं बन पा रहा है, आपका जो व्यापार है उसमें वृद्धि नहीं आ पा रही है, आपके पास धन की कमी बनी रहती है या आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, आप हर समय बीमार रहते हैं या आपके बच्चे बीमार रहते हैं या अन्य ऐसी किसी भी समस्या से आप पीड़ित हैं, तो आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर, हमारी वेबसाइट पर जाकर या ईमेल के माध्यम से या व्हाट्सएप वीडियो कॉल के द्वारा गुरु रजनीश ऋषि जी से या गुरु मां रुक्मणी जी से या आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक छोटी सी फीस जरूर देनी होगी, जिसका प्रयोग शनिपीठ मंदिर की व्यवस्था चलाने के लिए, हमारे द्वारा गरीब लड़कियों के लिए फ्री कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाने के लिए, कर्म के काम जैसे कि यज्ञों महायज्ञों के आयोजन के लिए, प्रसाद एवं लंगर के वितरण के लिए किया जाता है। आपके द्वारा दी गई इसी फीस में से हम अगले दिन प्रमुख रूप से आपके नाम से आपके लिए पूजा अवश्य करते हैं। आज आपका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा और आज आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। आज आपके कार्यों की वजह से आपकी कीर्ति पूरे समाज में फैल जाएगी। आज आपको अंधे भिखारियों को लड्डू खिलाने चाहिए, इससे निश्चित तौर पर आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। सिंह राशि वालों, अगर आपको नौकरी मिल पाने में अड़चने आ रही हैं या आप अपनी नौकरी में परेशानियों का सामना कर रहे हैं, तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित
हीरे की अंगूठी या उसका सब्स्टिट्यूट अवश्य ही धारण करना चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनीश ऋषि द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए। और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। प्रिय भक्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो चमत्कारी उपाय जिसे करने से यदि आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आपका अपने लाइफ पार्टनर से झगड़ा होता रहता है, जिस कारण आपका वैवाहिक जीवन कलेश से परिपूर्ण है, आपके घर में शांति नहीं है, तो आज इस उपाय को करने से निश्चित तौर पर आपके गृहस्थ जीवन में शांति का माहौल पुनः बन जाएगा। आज आपको लाल रंग के सिंदूर की डिब्बी में 11 गोमती के चक्रों को रखकर अपने घर में कहीं रख लेना चाहिए। इससे निश्चित तौर पर जल्द से जल्द आपके अपने लाइफ पार्टनर से सभी मतभेद दूर हो जाएंगे और पुनः आप दोनों के बीच में प्रेम संबंध स्थापित हो जाएंगे। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 4 स्टार देता हूँ। मेरा नाम हरिपाल है, मैं होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट पंजाब का रहने वाला हूँ। मैं लगभग 1 महीने पहले यहाँ गुरुजी के पास आया था, तो उस समय मैं बिल्कुल जीरो रखा था, जैसे मेरा कोई भी काम नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही गुरुजी ने मेरी कुंडली देख के मेरे को बताया कि सारे ग्रह खराब हैं, तो उनके अनुसार से जो उन्होंने मेरे को उपाय करने के लिए बताया और ये जो रिंग्स पहन रखी है मैंने, उन्होंने डालने के लिए बोला और मैंने उनको फॉलो किया। और फॉलो होने के बाद में मेरे को कम से कम 20 से 22 दिन में मेरे को रिजल्ट मिलने शुरू हुए। और आज मेरे इमिग्रेशन के काम में मेरे कम से कम भी 5 वीजा हो चुके हैं मेरे, अभी और भी काम हो रहे हैं मेरे बाकी। और लोगों के लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? मार्केट में बहुत सारे फेक लोग घूमते हैं जो कि दावे करते हैं कि मैं ये हम ये पहनाते हैं वो करते हैं, मैं बहुत जागरूक हुआ हूँ। लेकिन मैं सबसे ये विनती करता हूँ, साधन निवेदन करता हूँ कि आप यहाँ आओ, गुरु जी को एक बार अवसर दो, आप अपनी जन्म कुंडली दिखाएं और जैसे गुरु जी बोले वैसे करो, आपको जरूर फायदा होगा। हमारे वेदों, पुराणों, धर्म ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्रों पर आधारित उपायों को और अधिक जानने के लिए हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहें।